नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, स्वागत है आपका हार्मनी टीवी पर। आपका अपना चहिता टीवी शो लेकर आता है आपके लिए ढेर सारी इंफॉर्मेशन और उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट का काफिला, ऑल द वे फ्रॉम वेस्टर्न कनाडा, द सिटी, ब्यूटीफुल सिटी ऑफ एडमंटन। शुरुआत करते हैं आज के शो की और आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास। लेट्स ब्रेक द सरप्राइज। आज बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हिज एक्सीलेंसी हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू कनाडा अल्बर्टा आए हुए हैं, मिस्टर विकास स्वरूप, और आज मुखातिब हुए हैं हमारी कम्युनिटी से मेरिडियन बैंक्वेट हॉल में। स्वरूप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और ये मेरी अल्बर्टा की दूसरी विजिट है, लेकिन एडमंटन पहली बार आ रहा हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि जो इतनी वाइब्रेंट और डायनेमिक इंडियन कम्युनिटी है एडमंटन की, उससे आज मैं भेंट कर पाया हूँ। और हमारी भी खुशकिस्मती है, मगर काफ़ी इश्यूज रहते हैं हमारे लोगों को। एक तो ये जो आपके आउटलेट है या BLS वाले हैं, मेरे को पता लगा कि वो L1 के चक्कर में ये डल्यूट हो जाती हैं इनकी एफर्ट्स, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग हमेशा ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सर्विस क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी कंप्लेंट है, अगर आपको लग रहा है ओवरचार्ज किया जा रहे हैं या कुछ गलत काम हो रहा है, आप तुरंत मुझे इतला कीजिए या जो हमारी कौंसिल जनरल हैं वैंकूवर में अभिलाषा जोशी जी, उनको इतला करिए और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद। और सर, इसके साथ से एक और भी है, जो पैन नंबर कार्ड है, वो पैन कार्ड के लिए हमारे बुजुर्ग जो है वो अप्लाई भी करते हैं, $100 ऑनलाइन भी पे करते हैं, मगर वो आता नहीं है, उसका क्या सलूशन है? इसका मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये पहली बार मुझे ये इशू मेरे सामने रखा गया। अब तक लोग आधार की बात कर रहे थे, कुछ डिमोनेटाइजेशन से जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन अब ये पैन कार्ड का मैंने पहली बार सुना है, तो इसमें ज़रा विस्तार से मुझे लिखिए कि क्या इशू है और फिर मैं भारत सरकार से संपर्क करके उसका निदान कराऊंगा। और आज बहुत अच्छा लगा, आपने डिक्लेयर किया कि आने वाले समय में कॉन्सुलेट ऑफिस जो है वो अल्बर्टा में होगा। नहीं, मैंने देखिए उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने ये कहा है कि जब कभी भी एक नया कॉन्सुलेट ऑफिस खुलेगा कनाडा में, अभी दो हैं हमारे पास, एक टोरंटो में है और एक वैंकूवर में है, तो अल्बर्टा एक नेचुरल स्पॉट है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी भी है यहाँ, बिजनेस वाइज भी जो है अल्बर्टा भारत के साथ ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है, आप एनर्जी कैपिटल हैं कनाडा के, तो उन सभी मद्दों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये बहुत उचित स्थान होगा। लेकिन अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, जब कभी भी ये फैसला होगा तब मेरे ख्याल से अल्बर्टा के लिए बहुत सबसे ज़्यादा नंबर वन पोजीशन पे अल्बर्टा ही होगा। जब स्वरूप जी ये फैसला होगा तो क्या कैलगरी में आएगा कि एडमंटन में? अब देखिए, ये अभी मैं इस उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, फाइट बिटवीन कैलगरी एंड एडमंटन, जो भी होगा वो देखा जाएगा। अभी एज असर ये प्रीमेच्योर है, मैंने सिर्फ ये वायदा किया है कि जब कभी भी हमारी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो कनाडा में है उसमें एक्सपेंशन होगा, तो डेफिनेटली अल्बर्टा जो है वो टॉप के पोजीशन पे होगा। मैं आपकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, आपकी Q&A जो थी उसके ऊपर स्लम डॉग मिलियनेयर बना, क्या और भी कोई किताब के ऊपर पिक्चर आ रही है? देखिए, तीन पुस्तकें मैंने लिखी हैं, ये Q&A मेरी पहली पुस्तक थी जिस पर आधारित ये फिल्म बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर। उसके बाद मैंने दो और किताबें लिखी हैं, दूसरी पुस्तक का नाम है 6 Suspects और तीसरी पुस्तक का नाम है द एक्सीडेंटल अप्रेंटिस। और खुशी की बात है कि दोनों पे ही इस समय फिल्में बन रही हैं, दोनों पे ही इस समय काम चल रहा है, देखिए आगे आगे क्या होता है। और आपका संदेश जो हमारे व्यूअर पूरे कनाडा में आपको देख रहे हैं? मेरा संदेश यही है कि भारत जो जितने भी इंडो कैनेडियंस हैं जो कनाडा में बसे हुए हैं, उनका बहुत आदर करता है, उनका बहुत सम्मान करता है और उनको भारत का एक तरह से राजदूत मानता है, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से अपने परिश्रम से, अपने श्रम से जिस तरह का नाम आप लोग ने अपने लिए अर्जित किया है, उससे भारत का भी नाम रोशन हुआ है। और मैं यही उम्मीद करता हूं और मेरी आशा यही है कि आप लोग जो यहां कनाडा में काम कर रहे हैं उसे करते रहिए, ताकि भारत का नाम रोशन हो और कनाडा की आर्थिक उन्नति में, कनाडा के सोशल डेवलपमेंट में आपका भी सहयोग रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आएंगे जल्दी से वापस, डोंट गो अवे। Enjoy luxury living at Royal Oaks by CanCom Developments. Location and complete satisfaction draw our clients to Royal Oaks. We offer fully serviced lots in a broad variety of sizes. Build your dream with us. We are 5 minutes south of Edmonton and 10 minutes from the International Airport. Let your lifetime investment be Royal Oaks. Wondering what's happening in Western Canada? We are presenting Cultural Tadka in Hindi, Punjabi and English. We are coming every Saturday with news, views, entertainment and community coverage.
don't forget to watch us every Saturday morning. Harmony TV, celebrating togetherness. Fancy doors and moldings ਤੋਂ residential interior and exterior doors, bifolds, crown moldings, baseboards, the casing ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ accessories ਤੇ locks ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. At Fancy Doors and Moldings, we have worked on a vast variety of projects throughout Alberta, from condos, residential high-rises, homes, and many commercial projects. Our experienced team here at Fancy Doors and Moldings would like to assist you on your next project. Fancy Doors and Moldings, 4421 Roper Road, 780-432-7700. Fancy Doors and Moldings. At Maple Dental Clinic, we strive to create a comfortable environment for our patients. We work evening and weekend hours for your convenience. We do Invisalign braces, digital x-rays using modern state-of-the-art equipment. We direct bill insurances. Our staff speak English, Punjabi, Hindi, and Urdu. Hi there, how are you today? At Maple Dental Clinic, how can I help you there? We are here to spread a smile, so please call us at 780-440-5001 to book an appointment. नमस्कार, स्वागत है आपका Harmony TV पर. हर बार की तरह इस सैटरडे भी हम लेकर आए हैं एक खास इंटरव्यू. इस बार बात हो रही है मिस नोबल कनाडा 2018 की रनरअप काजल दानेश्वरी से. काजल का इस कंपटीशन में आना, मिस नोबल कनाडा की पेजेंट को जीतना और उनकी सक्सेस स्टोरी, ऑल इन वन सेगमेंट. वेलकम काजल. थैंक यू. How have your journey been so far? It's been really amazing. I've learned a lot. I have met a lot of new people and I've picked up little things about myself that I didn't know already. Okay. Mm-hmm. आप इंडिया से आई हैं. आपकी जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से है और यहाँ पर आप एज ए लैंडेड इमिग्रेंट आई हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं. आपके इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके जो वैल्यूज, कल्चर्स जिसको आप बिलोंग करती हैं उनके बारे में बताएं. मैं राजस्थान इंडिया से हूँ और जब मैं 10 साल की थी तब मैं यहाँ आई थी. एंड आई इट वाज अ रियली मेजर चेंज इन माय लाइफ. बट इतने सालों के बाद आई थिंक मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ यहाँ की कम्युनिटी से. जितना कुछ यहाँ की कम्युनिटी ने मुझे दिया है, अगर उसका 1% भी मैं वापस दे पाऊंगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी. और हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है ब्यूटी, लाइक द आउटर ब्यूटी इज नॉट एवरीथिंग. जो आपके अंदर है वो लोग अगर परख सकते हैं तो वो आपके काम के लोग हैं और उनके साथ आपको बना के रखनी चाहिए. एंड यू हैव टू बी रियली ओपन टू देम अबाउट व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक. एंड आई थिंक आउटर ब्यूटी इज नथिंग इफ यू इफ इट्स नॉट इनसाइड यू. एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड द पेजेंट विद अ पर्पस. And I knew what I stand for and I wanted to promote that. Definitely. Now the second question comes, when you came to Canada from India, you had a different mindset. And today, as if you being a winner of Miss Noble Canada, you have a different mindset. How do you compare yourself from the beginning part of your life till date? जब मैं यहाँ पहले आई थी तो बहुत मतलब यू नो आई वॉज रियली इमेच्योर. आई वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट लिटिल थिंग्स. आई वुड नॉट थिंक अबाउट द माई एक्शंस विच विल हेल्प मी और विच विल लाइक बेसिकली अफेक्ट मी इन द लॉन्ग रन. बट नाउ व्हेन आई ग्रू अप एंड नाउ दैट आई एम द सेकंड रनर ऑफ मिस नोबल कनाडा, आई फील लाइक आई एम रियली ओपन अबाउट माई सेल्फ टू अदर्स व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग माई सेल्फ. एंड आई फील that I've grown up a lot, I've matured up a lot, I understand things from a lot of different perspectives, and I want to just tell people that you need to be really open-minded, you really need to be kind, you really need to be promoting yourself the way you want others to perceive you. Definitely. So as if you came here years ago, and honestly, you've done your schooling from here and you're still studying. So, but of course, आपने बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे और बहुत अलग अलग कंट्री से आने वाले ऐसे दोस्त भी होंगे जो शायद यहाँ के ही बॉर्न हैं. तो उनके जो मे बी उनकी अपब्रिंगिंग कहे या उनके जो कल्चर को देखने का जरिया और आपके कल्चर के देखने का जरिया, आपको लगता है कि कोई डिफरेंस है?
डिफरेंस नहीं आया क्योंकि जब मैं यहाँ पहले आई थी हमें सिखाया गया था कि खुद की संस्कृति नहीं भूलनी है, जहाँ से आए हो जो आपकी रूट्स है वो नहीं भूलना है। जैसे अगर अभी भी मैं किसी जैसे मुझसे जो बड़े होते हैं उम्र में उनको मिलती हूँ तो अपने आप ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते अपने आप होता है, तो वो चीज़ अभी तक है मेरे अंदर। पेरेंट्स ने सिखाई है, रिलेटिव ने सिखाई है, मेरे फ्रेंड्स भी उसी तरह के हैं। So I think it's good that I know a lot of people around me, especially my friends, because they come from different countries, different backgrounds. But I think the one thing we all have in common is that we know how to be humble, how Definitely. To keep close to our roots, and we know how to not let go of the culture, but still trying to blend in the new one that we are in. Definitely. Adopting is our own nature as well. Yes. Being South Asian or being Indian, we have that quality in us that we like new things. Not so many people try to understand or adopt new things. Mm-hmm. But we live our life in such a stance that we accept everything. Yes. And that is in the roots of our culture. Yeah. Now, the other thing that comes up in my mind, that every immigration, every migration, that takes away something from you. So there are always challenges in life. What kind of challenges you faced in your early life, I could say? I was really close with my grandparents, be it on my mother's side or my dad's side. Okay. And I feel like just, you know, at the end of the day when you come home from school, the first thing I would do is run to them. Oh yeah. Kind of put my head in their lap and just like hear all these questions, so I would be excited to answer these questions. Them, yeah. Here it's like everyone's kind of minding their own business. Oh, yes. Which I guess it's good in a way. Yeah. To a certain point, but I still miss that. I think that was taken away from me. And I remember so many times when we first came here, I used to wake up at 3 a.m. crying, and I would call my grandparents through Skype, and I would be like, yeah, can I come back? So yeah. I think that's the one thing that I miss the most. Okay. But our neighbors are really nice too. Our neighbors have old people there, so they kind of just hug you and put their hands on my head, so it feels like home. That's true. So what happens when you come in a new country and you want to create your environment? Now you, at this stage when you are already, you won one crown and there are a lot many coming on your way. How are you focused and what are your goals? My focus is that I enter everything that I do with a purpose in my mind. Okay. So I know what I want out of one competition that I'm entering. So I just finished with Miss Noble and I entered with my platform which I wanted to promote. And in the back of my mind, I told myself, I'm not going to stop helping the community and volunteering in the community, giving back to the community, even if I did not win. So that's the one thing that I will continue to do even after Miss Noble is over. And now that I'm participating in Miss Asia 2018, yes. On July 28, 2018, okay. I am still gonna enter with the purpose. I'm definitely eyeing the crown, but I know what my values are. Okay. I know what I want out of the competition. It's to grow, it's to make new friends, mm-hmm. It's to make sure I give back twice as much as I get from others. And it's to just tell the world that I'm here, this is my place. Yes. So every competition has their own rules. Every competition has their own choices, you know. How do you compare them when you choose? So it honestly depends. So it matters. It also comes down to your priorities, mm-hmm. your values again. Mm-hmm. So with Miss Noble, it was my first pageant ever. And I've been into modeling line for like past 6 months now. Okay. So it wasn't difficult for me to choose, but yeah. What made me say yes to Aarti was just looking at how the concept and the criteria of this pageant was, is to give back to the community, the Down Syndrome Society. And yeah. We were supposed to have our own platforms that we will be promoting. Yes. So what I thought to myself is that I've dedicated my time helping the community, because when I came here I had nothing, and the community is the one who gave me so much. The people in the community gave me so much, so I thought it's so nice to give back. It makes me happy. That's so true. That feeling that I get inside is what makes me determine whether I want to do something or not. So my gut feelings are go for it. आपको तो पता ही है कि जैसे ही मॉडलिंग की बात आती है,
या अपने ब्यूटी को परस्यू करने की बात आती है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी एजेंसीज है जो आपको ऑफर कर रही है कि आप हमारे साथ एनरोल करें या आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें, हमारे पार्टनर बने, हमें स्पॉन्सरशिप दिलवाएं, एंड देन दे प्रॉमिस यू दैट दे विल गिव यू अ प्लेटफॉर्म और यू विल गेट अ मॉडलिंग और प्रिंट मीडिया जॉब. What do you think about those agencies who are not giving enough of jobs? Like, we are not living in Paris or we are not living in New York. Obviously, it's a small city. The opportunities are limited. There are agencies who are charging handsome amount for that too. What do you have to say about that? I'm with two agencies myself right now. Mm-hmm. And one is with on contract and the other one is non-exclusively, so without a contract. Okay. And I see the difference between both agencies. One is local, one is international. Okay. So I understand that these agencies are there to eat your money. Mm-hmm. You have to be smart as a model or as an artist in the industry. आपको खुद को मतलब alert रहना पड़ता है. आपको खुद को इतनी information gather करनी पड़ेगी कि मुझे किसके साथ जाना है. मुझे अगर मैं ये agency के साथ जाऊँगी तो मुझे क्या benefits होगा. जितना मैं दूँगी उससे at least 1% भी मुझे वापस मिल रहा है मेरे benefit के लिए. As a model, you have to find work. So if you're not earning money, there's no point of recruiting with that agency. So I think it just depends on how you wanna like promote yourself in the industry. So mm-hmm. I am a very short person. That's what I hear. Mm-hmm. But that does not affect me. No. People say that once like if you're short, you cannot find work. But that's not true. I'm with two agencies myself right now. But I think you really have to be smart about it. If you know that that person is gonna able to recognize your talent, skills, and give you what can help you promote yourself and take yourself further in the industry, then you obviously go and invest. But I think it's almost like a very risky thing. Yes. It's like 50-50. Whether you give it and if you're lucky and if you have the talent and skills, then you can get what you want. But when you invest here, you're not probably gonna get it because maybe you're not lucky, maybe there's a lot of competition. Mm-hmm. So you're gonna feel as if it was a waste of your money and time. So you have to kind of weigh the pros and cons. Yes. And kind of invest. It's almost like playing a game. So you never know if you're gonna win or lose. Yes. You don't know how far you're gonna go in the game and with who, but you just have to play it to see. Definitely. Jo hamare prakshak hai, all those viewers who are watching on Harmony TV with you, they are all over Canada. And I'm sure many of them are pursuing modeling or willing to get into this profession. आपसे ये विनती है कि उनको कुछ ऐसा मैसेज दे जिनसे उन्हें सीख भी मिले और उनसे प्रोत्साहन भी मिले. I'm just gonna say one thing. You really have to go with your gut feeling. When you're in this fashion industry, whether you're a model, an actor or an artist, go with your gut feeling. अगर अंदर से आपको फीलिंग आ रही है कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँगी मेरा टाइम, मनी और स्किल और टैलेंट, तो वहाँ पे आपको आपकी गट फीलिंग्स को ये मतलब your gut feeling should tell you that yeah, go for it. If it's a yes, then you go for it. If it's a no, even if it's on a maybe, you should just step back, rethink the opportunities, rethink your decisions, and then maybe take another step ahead and see what is next for you. आप अगर हड़बड़ी में काम करेंगे, जल्दी जल्दी में काम करेंगे, सिर्फ पैसे के पीछे भागने के लिए इस industry में उतरेंगे, तो I can tell you, you're gonna lose so much. But if you wanna gain on a good note, if you wanna learn on a good note, just make sure you go with your gut feeling. It's not easy, but it's not that hard either. It's completely on you to determine whether your gut feeling says yes or no. If you know it's a yes, you go for it. Thank you, Kajal. Before wrapping up, we really need to hear about the mental illness that you are promoting, the causes and consequences. And tell me something about what you're doing with that cause. So when I entered this pageant, Miss Noble Canada, I promoted my platform, which was Mental Wellness, for Miss Noble Canada 2018, with the message that, tell me more. And by that, I mean, you really need to offer your ears to the people yes. who are willing to talk, to let everything out of their system. Definitely. If you listen, they will... I'm sorry. If you listen, their mental... No, I'm just gonna say I promoted this platform with the message, tell me more. Okay. Till then is okay. Okay.
So I promoted my platform, which was mental wellness, mm-hmm. for Miss Noble Canada 2018 with the message, tell me more. I learned this phrase from my high school leadership teacher, mm-hmm. and the reason why that one line caught my attention was because you really need to offer your ears to people. Please listen more than you talk. Maybe that can help someone suffering. Welcome back, friends. Swagat hai aapka fir se ek baar. Aap dekh rahe hain Harmony TV. Jab baat aati hai entertainment ki, to hamare jo nritya hai, hamara music jo hai, wo hamesha goonjta hai logo ke kano par.
समय हो चुका है हमारे जाने का. जाने से पहले आपके लिए लेकर आए हैं पंजाबी सॉन्ग ऑफ द वीक. जाते जाते बताना चाहते हैं कि हमेशा खुश रखिए और खुश रहिए, यही है हमारा मकसद. और नेक्स्ट शनिवार को मिलने का भी है वादा. सो स्टे ट्यून्ड. रात कमाल है तू मेरे नाल है, लक तेरा हिले जिमें आया पुचाल है. रात कमाल है तू मेरे नाल है, लक तेरा हिले जिमें आया पुचाल है. रात कमाल है तू मेरे नाल है, लग तेरा हिले जीवे आता पूछा है. जैसे बॉलीवुड में कोई मूवी हिट हो गई, तेरे मेरे प्यार की कहानी फिट हो गई. जैसे बॉलीवुड में कोई मूवी हिट हो गई. रात कमाल है तू मेरे नाल है, लग तेरा हिले जीवे आता पूछा. तेरी चढ़दी उम्र मैनू लगदा या डर, हो ना जावे मिस्टेक बेबी का तो बेखबर. तेरी चढ़दी उम्र मैनू लगदा या डर, हो ना जावे मिस्टेक बेबी का तो बेखबर. गोरा गोरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उत्ते काला चश्मा लगदा किलर. गोरा गोरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा, उत्ते काला चश्मा लगदा किलर. लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है. रात कमाल है तू मेरे नाल है, लक तेरा हिले जीवे आया पुचाल है.